कवि साहित्य जगत कवि सम्मेलन, एक तरफ जहां देश की युवा हिंदी से अपना मुख मोड़ते आ रहे हैं, वहीं पे पंचशील इंटर कॉलेज के PGTA लेक्चर मिस्टर शैलेंद्र उपाध्याय जी कवि सम्मेलन कराते हैं, जहां एक तरफ बच्चों को हिंदी से दूर दूर तक लगाव नहीं है, वहीं दूसरी ओर पंचशील इंटर कॉलेज में इस तरह का अखिल भारतीय युवा कवि सम्मेलन कराना आखिर क्या मतलब है, आइए जानते हैं शैलेंद्र उपाध्याय जी से। हेलो सर जी, एक्चुअली बच्चों से जो भाषा है वो कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ती जा रही है, अंग्रेजी के प्रति जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है, और भाषा बिना भाषा के मातृभाषा के उत्थान संभव नहीं है भारत जैसे देश में, तो बच्चों को इस काव्यधारा से जोड़ने के लिए पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हिंदी भाषी जो छात्र हैं कहीं ना कहीं वो अपनी बात को बड़ी सहजता के साथ में लोगों में रखने के प्रयास करते हैं और रख सकते हैं। दूसरी बात, हमारे विद्यालय का भी ये फिलहाल में जो प्रयास है कि 100% नंबर भी हमारे छात्र ला रहे हैं हिंदी में, तो उनको भी इस विचारधारा से जोड़ना, उनको परिचित कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है। दूसरी बात यह है कि काव्य मंच से बच्चों में जो रस की अनुभूति होती है उससे परिचय कराना बहुत ज़रूरी है कि रस क्या है और वास्तविक शब्दों के माध्यम से किस तरीके से हम अपनी बात को कह सकते हैं, शब्दों का सौंदर्य क्या है, काव्य क्या है, बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर ये चीज़ें पैदा करना। मास्टर साहब, वो ऐसा पहला क्या आपके साथ दिमाग में ये ख्याल आया था, वो पहली ऐसी कौन सी पहल थी आपके दिमाग में जो इस तरह के कवि सम्मेलन को कराने का आपने सोचा, वो भी एक पंचशील इंटर कॉलेज जहाँ पे बच्चे इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश से ही रिलेटेड बुक ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ऐसा पहला पहल कब आया था कि एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा बच्चों के लिए? मैं खुद अपने से थोड़ा सा जोड़ता हूँ कि मैं अक्सर जितने भी कवि सम्मेलन होते हैं मैं कुछ भी आसपास के और बड़े बड़े कवि सम्मेलनों को अटेंड करता हूँ। अब मैंने वहाँ से देखा कि काफ़ी चीज़ें जो मन में उथल पुथल रहती है वो वहाँ से काफ़ी चीज़ें शांत हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में भी उथल पुथल रहती है, हमारी भावी पीढ़ी है, और जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते भी हैं सर, जब मैं उस काव्य पाठ को बड़ी लय के साथ में जब करता हूँ क्लास में तो बच्चों की जो रुचि है वो बहुत ज़्यादा उस विषय के प्रति बढ़ जाती है। तो क्लास में एक अध्यापक के द्वारा पढ़ाना और एक मंच पर कवियों के माध्यम से कविताओं का वाचन होना, दोनों कहीं ना कहीं अलग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो निश्चित रूप से जब मंच से कविता बच्चों को सुनने के लिए मिलेगी तो उनकी रुचि और ज़्यादा बढ़ेगी, उसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो कविता है, कविता का और हृदय का बहुत एक दूसरे के प्रति संबंध है, कविता बिना हृदय के और बिना हृदय के कविता दोनों असंभव हैं। जब कविता वहाँ से आएगी तो हृदय हमारा होना चाहिए, अच्छा हृदय होगा तभी उसको स्वीकार करेगी और कविता भी तभी उपस्थित होगी जब वहाँ से हृदय के माध्यम से कविता भेजी जाएगी। तो ये है सर, जैसा कि आपने ये कवि सम्मेलन कराया है और यहाँ पे बच्चों के लिए आप एक सब्जेक्ट भी है हिंदी, तो आपको कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है कि जो ये कवि सम्मेलन हमने आयोजन किया है आज के डेट में ये उन बच्चों के उस विषय से बहुत मेल खाता है, उससे ही कहीं ना कहीं उन्हें उस सब्जेक्ट से जोड़ रहा है और आपने एक कवि सम्मेलन के द्वारा उस सब्जेक्ट को उनको बताया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विशेष समय समय पर बहुत सारी क्रियाकलापों के लिए प्रेरित करता है कि क्रियाकलाप छात्रों के बीच में कराए जाएं, उनमें से कहीं ना कहीं अगर हम भाषा के संबंध में लें तो कवि सम्मेलन बहुत आवश्यक है, क्योंकि कवि सम्मेलन केवल कविता ही नहीं है, विषय का बोध भी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकल करके आती हैं। तो हम तो एक तो बोर्ड के जो भी आदेश हैं उसका पालन भी हो रहा है, बच्चों की प्रतिक्रियाएँ भी निकल करके आ रही हैं, इससे क्या बच्चे क्लास में बात करेंगे, टीचर्स के साथ में बात करेंगे, तो वो चीज़ें भी निकल करके आएंगी, और उसके अलावा कहीं ना कहीं इससे मुझे जो लगता है कि बच्चों में एक जो भाव बोध है, कैसे भाव हम व्यक्त कर सकते हैं, वो निश्चित रूप से जागृत होंगे। जी सर, हिंदी साहित्य जगत के एक युवा अध्यापक कह सकते हैं जो अपने माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से, अभी सम्मेलन आयोजन के माध्यम से बच्चों को हिंदी साहित्य जगत से जोड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन विजुअल जर्नलिस्ट रवि के साथ मैं सौरभ पांडे, न्यूज़ एम्पायर दिल्ली। थैंक यू।